इंसान भगवान को मानता तो है पर जानता नहीं है। सत्संग जी ये तो कण-कण में है, सब कुछ करने वाला है। सत्संग जी जैसे कहते भी है कि जमीन चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। सत्संग जी बहुत आज इसी सवाल के जवाब के लिए इंसान दर दर भटक रहा है। सत्संग जी जैसे शहंशाह जी भी कहते हैं कि राम राम पया कर दासा में, राम मिलाया मुर्शिद ने, खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शिद ने। सत्संग जी हरियाणा समागम में भी किसी महात्मा ने किसी से प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शिद ने, क्या आपके माता पिता ने आपको खाना पीना भी नहीं सिखाया? तो महात्मा कहने लगे कि माता पिता ने तो सिखाया कि यहाँ से गिरा ही तोड़ो और अपने मुंह में डालो, पर गुरु ने तो हमारी सोच ही बदल दी। गुरु ने सिखाया कि अपने मुंह में गिराही डालने से पहले साथ बैठी महात्मा के मुंह में डालो और शुक्र करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्संग जी यही वो मुर्शिद है जिसने हमें जीने का ढंग सिखा दिया। सत्संग जी जैसे प्यार जी भी कहते हैं कि सानू पैरी खलोन दा चज आया, सानू पैरी खलोन दा चज आया, जाच आई हुन उठन बैन दिए, जाच आई हुन उठन बैन दिए, असे सिरा दे वाला नु पैन वाले, बाबा जी असे सिरा दे वाला नु पैन वाले, आदत पाई तू पैरी पैन दिए। वाह बहुत सुंदर बेटे। सत्संग जी बाबा जी ने हमें ज्ञान की दाद देकर हमको सुखी कर दिया है। अब हमने इस सच्चाई की आवाज को जन जन तक पहुंचाकर सारा संसार सुखी करना है। सत्संग जी किसी महात्मा ने कहा कि हमने बाबा जी की आवाज झोंपड़ी झोंपड़ी तक पहुंचानी है, तो साथ खड़ी महात्मा कहने लगे कि हमने बाबा जी की आवाज झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचानी है। बात वाह सुवाओ सत्संग जी, हमने इन रब्बी वचनों को केवल सप्लाई ही नहीं बल्कि अप्लाई भी करना है। सुवाओ सत्संग जी, बाबा जी कृपा करो दासी की ये अरदास है कि हम सब इसी तरह हर साल समागम पे आते रहे और आपकी मुस्कान पाते रहे। बाबा जी दासी आप ही की नजर एक शेर कर रही है, तू एडा वड्डा ते बेअंत होके इना महीन क्यों है? साथी जी जरा ध्यान देना, तू एडा वड्डा ते बेअंत होके इना महीन क्यों है? इधरों उधरों तू ना लब्बे, तू संता दे कर दस शकीन क्यों है? बाबा जी इधरों उधरों तू ना लब्बे, तू संता दे कर दस शकीन क्यों है? भाई मैनू ए ना पुछो कि मैं क्यों दीवाना होया, ए इनू पुछो कि एडा हसीन क्यों है?